बैक टू माई न्यू ब्लॉग। तो गाइस इंसिडेंट हो गया था हमारे साथ, तो इस वजह से हम थोड़ा लेट हो गए, वो आपको प्रीवियस ब्लॉग में देखने को मिल जाएगा। बाकी आज टाइम है बाइक, फाइनली मैंने कहा था आपको कि मैं एक दो गाड़ियां हैं जो आने वाले टाइम पे लेकर आने वाला हूँ अपने कंटेंट में, अपने वीडियोस में। तो भाई आज लेके आया हूँ मैं आपके लिए रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350 अपने गोलू भाई की। तो भाई आज अपन जो रिव्यू वीडियो करने वाले हैं वो फाइनली इस पे करने वाले हैं। तो फटाफट से गाड़ी को लगाते हैं लाइन में और भाई जल्दी से अपन करते हैं रिव्यू वीडियो ताकि आपको इसके बारे में सब कुछ पता लग सके। ओके गाइस, तो फाइनली हमारे जो ऑनर है हमारी मीटियोर 350 के रॉयल एनफील्ड के गोलू भाई, तो वो फाइनली हमारे फ्रेम के सामने आ चुके हैं। तो गाइज आज हम मीटियोर के बारे में हर चीज़ जान लेंगे, क्या क्या इसमें स्पेसिफिकेशन है, कितने इंच के अलॉय होते हैं, टायर वायर से लेके हर चीज़ भाई, डिजिटल मीटर वगैरह क्या क्या इसमें देखने को मिल जाता है, सब चीज़ों की जो बात है अपन फाइनली गोलू भाई से कर लेंगे आज। तो गोलू भाई सबसे पहले तो अपन बात करेंगे इसके कलर के बारे में, तो ये कलर कौन सा है, आपको पसंद है, क्या था जिस वजह से आपने गाड़ी ली है, तो उसके बारे में। सुपर नोवा ब्लू कलर, ओके। हाँ अच्छा, मतलब डिफरेंट था, दैट्स व्हाई आपको। अच्छा नीला ही लेना था, अच्छा तो वो पसंद आपकी अलग ही थी कि यहाँ पे अलग ही लेना है, क्योंकि ब्लैक ब्लैक तो कॉमन हो जाते हैं। ओके, और वैसे आपको मीटियोर लेने का मतलब 350 लेने का क्यों बना? बुलेट भी आती है, स्टैंडर्ड बहुत सारी आती है, तो आपका मेन पर्पज इसको लेना क्यों था? कंफर्टेबल, हाँ वो तो मैंने भी देखा है, कंफर्टेबल तो है राइड्स के हिसाब से, लॉन्ग रूट के हिसाब से। अच्छा अच्छा, और गाइज मैं बता दूं अपने जो गोलू भाई है ये रॉयल एनफील्ड के शोरूम पे ही काम करते हैं, और इन्होंने जितनी भी कस्टमर्स की गाड़ियां चलाई है, जितनी भी गाड़ियां चलाई है आज तक, उनको ये ही गाड़ी पसंद आई है, कंफर्टेबल के नाम पे भी, लुकिंग के नाम पे भी, और ट्रैवल के हिसाब से भी। तो दैट्स व्हाई गोलू भाई का जो 450 जो वो तो सेगमेंटी मतलब अलग हो जाता है, वो तो कंफर्टेबल है, वो तो अलग ही हो जाता है, बट हाँ उनकी जो वजह थी भाई ये गाड़ी लेने की, वो वजह यही है कि कंफर्टेबल जो है गाड़ी बहुत है, सीट्स वगैरह मैंने भी बहुत देखा है। वर्क अराउंड दूंगा मतलब चला के भी, अपन एक बार टेस्ट राइड वाली वीडियो भी बना लेंगे इसके ऊपर। तो गोलू भाई और बाकी अपन को इसमें टायर कौन सा टायर देखने को मिल जाता है, अलॉय व्हील वगैरह है क्या है? अच्छा ये लाइनिंग वाले जो अपन को मिलते हैं, अच्छा ये शेडिंग बेस मॉडल में नहीं आती, टॉप मॉडल में आती है। और टॉप मॉडल और बेस मॉडल में क्या फर्क है? नेविगेशन नहीं आता बेस मॉडल में, अच्छा बेस मॉडल में। और टॉप मॉडल में? टॉप मॉडल आएगा। अच्छा मतलब जो चीजें मतलब टॉप मॉडल में सब कुछ मिल जाता है आपको, कंप्लीट होती है, तो बेस मॉडल में क्या ताड़ी वाड़ी कुछ होती है? अच्छा बस ये लुक नहीं मिल पाता, लुक ये क्या बहुत प्यारा है, लाइट फ्लैप पर रिफ्लेक्ट करता है ना। हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा ओके। तो अपन को मतलब इसके टायर कितने इंच के मिल जाते हैं अप्रोक्स? हाँ देखो ना साइज यार, टायर की बात करें तो आगे आता है इसमें 190, अच्छा और पीछे आता है 140 70। इसकी मैक्स पावर की बात करें तो अपन को मैक्स पावर कितनी मिल जाती है? 20.4 PS, 61 NM। इसका जो टॉर्क है वो कितना देखने को मिल जाता है? 27 NM। हाँ 4000 RPM पर, ओके। तो गोलू भाई ये मीटियोर 350 है, तो कंपनी कितना क्लेम करती है इसका एवरेज? वैसे कंपनी एवरेज देती है 35 के समथिंग। और आपको आज तक सिटी में हाईवे पे कितना कितना माइलेज दिया? 20-25 का बस, मतलब आपके हिसाब से चला दो थोड़ा ऐसे अच्छा इकोसिस्टम भी है, इकोसिस्टम में क्या होता है? अगर इकोसिस्टम पे गाड़ी चलाओगे तो एवरेज देगी, अगर इकोसिस्टम से बाहर जाओगे ना। अच्छा इकोसिस्टम मतलब वो मीटर में दिखा देता होगा कि इको पे है और इको पे चल रही गाड़ी, जहां आपने ओवर रेस दी वहां इको चल जाएगा। अच्छा तो इको पे अगर चलाते हैं तो 32 से 35 तक का एवरेज ये दे देती है, 30 मान लेते हैं, और बाकी अगर अंधाधुन चला रहे हो रफ तो फिर 20-25 पे आ जाती है। तो ये वैसे कितने सीसी काउंट होता है? वैसे दिखा तो 350 रहा है पर वैसे कितना सीसी है? 349। वो तो एक का कुछ फर्क पड़ता है, उसको फर्क नहीं पड़ता। अच्छा J1 इंजन है, ओके 349।
तो इसमें अपन को ABS वगैरह क्या क्या देखने को मिल जाता है? डबल ABS मिल जाता है, डबल डिस्क मिल जाता है। डबल ABS भी है, डबल डिस्क मतलब हाँ ओके। बाकी इसके मीटर में अपन को क्या क्या देखने को मिल जाएगा? ये नेविगेशन मीटर है, जैसे अपन होल्डर लगाना पड़ता है, ये तो मैंने ऐसे लगा रखा है। अच्छा शौक में फोन चार्ज वगैरह करने के। अच्छा मतलब ये होल्डर तुमने फोन वगैरह चार्ज के लिए यूज आ जाता है? इसमें कनेक्ट कर लो, इसके अंदर लोकेशन चलती है। अच्छा मतलब ये ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाता है? ये नेवी मतलब एक तरीके से फोन है, ये नेविगेशन काम करता है। अच्छा तो मतलब इसमें लोकेशन जो मैप चलता है वो इसमें चलेगा। गाइस तो इसमें आपको टाइम देखने को मिल जाएगा और गियर कौन से गियर पे गाड़ी चल रही है? जब सेट हो जाता है, जब कनेक्ट हो जाता है फोन से। अच्छा अच्छा मतलब फोन से कनेक्ट हो जाएगा तो ऑटोमेटिक मतलब एक्चुअली पूरा फोन ही एक तरीके से पूरा वो बन जाएगा, पर अभी जो टाइम है वो थोड़ा खराब हो जाता है मतलब डिसकनेक्ट होने के बाद। ओके गाइस तो इसमें अपन को टाइम देखने को मिल जाता है, इको जो गियर्स होते हैं वो कौन से गियर में गाड़ी ये पता लग जाएगा, ट्रिप का पता लग जाएगा, ट्रिप वन ट्रिप टू, और बाकी इसमें इको सिस्टम था उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। अभी गाड़ी इको में है, नॉर्मल चल रही है, इसलिए थोड़ा सा अपन जैसे ही इसको रेव करेंगे इको भाई हट जाएगा यहाँ से, देखो हट गया भाई। इसकी वजह यही है कि अपन ओवर स्पीडिंग करते हैं तो वही ऑटोमेटिक हट जाता है वो। बाकी इसमें कितने गियर आते हैं? 5 गियर। ओके गाइस तो यहाँ पे अपन को 160 किलोमीटर पर आवर तक की अपन को रेंज देखने को मिल जाती है। बाकी इसकी अगर अपन चाबी की बात करें तो ऐसे कुछ की देखने को मिल जाएगी। जो किल स्विच है वो ऐसा कुछ देखने को मिलता है भाई, रॉयल एनफील्ड ने थोड़ा किल स्विच जो है वो चेंज कर दिया है, ऑन और ऑफ दोनों भाई यहाँ से ही होती है। यहाँ पे डिपर सिस्टम भी है, इस यहाँ पे इसके अंदर हैजार्ड भी दे रखे कंपनी ने, हैजार्ड जब भी आपकी गाड़ी कभी नॉर्मली ख़राब हो जाती है तो नॉर्मली अगर आप कहीं रूट पे खड़े हो तो तब आप अपने हैजार्ड जो है वो चालू कर सकते हो। बाकी इंडिकेटर्स और हॉर्न वगैरह तो कंपनी एज यूजुअल देती है। ये क्रोम है गाइस, टॉप मॉडल में हमेशा क्रोम आपको देखने को मिल जाएगा एलुमिनियम का, और बाकी जो अगर अपन बात करें बेस मॉडल की तो उसमें ब्लैक आते हैं भाई, तो बेस मॉडल का तो कोई सेंस मुझे लगता नहीं है वैसे। बाकी आफ्टर मार्केट इसमें आपने क्या क्या करा रखा है? पीछे इंडिकेटर लगा रखे हैं 400। ओके गाइस तो अभी इन्होंने सिर्फ कुछ नहीं करा रखा गाड़ी में आफ्टर मार्केट, सिर्फ ये फॉग लैम्प लगा रखे हैं, क्योंकि गाइस ट्रिप पे जाते हैं कभी ऑफ रोड चलता है रात को तो उस टाइम पे ये चीज़ें काम आ जाती है। बाकी पीछे गाइस एक चीज़ है जो मुझे भी बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और वो है गाइस ये छोटे छोटे से इंडिकेटर्स। बिकॉज गाइस जिसके मेरे को पहले ये गाड़ी बिल्कुल पसंद नहीं थी, मैं जेन्युइन जो रिव्यू है बता दूँ, नहीं भाई जो सच है वो बता रहा हूँ, मुझे ये गाड़ी पर्सनली बिल्कुल पसंद नहीं आती थी, बट भाई जब मैंने गोलू भाई की ये गाड़ी देखी भाई मेरा इसको इस पर दिल आ गया एक तरीके से। बिकॉज गाइस गोलू भाई ने जब इसके अंदर ये लगवाए थे इंडिकेटर्स, तब भाई उसके लगने के बाद जो इसके अंदर ब्रॉडनेस आ रही है भाई बहुत अच्छी फील देती है, इतना हार्ली डेविडसन टाइप का फील दे रही थी पीछे से, तो बहुत अच्छा था। तब जाके मैंने सोचा कि गाइस इस पर भी अपन को रिव्यू वीडियो बनानी चाहिए, बिकॉज गाइस दिल आ गया था मेरा इस पर। तो ऐसे कुछ इंडिकेटर देखने को मिल जाते हैं, और ये पीछे रेड लाइट इस टाइप की है। बाकी जो इसका एग्जॉस्ट है वो गोलू भाई ने चेंज नहीं कराया, जो भाई कंपनी से आया वही का वही है, चीज़ और चेंज करा रखी है। डबल हॉर्न वैसे एक आता है, बस इन्होंने दो लगवा लिए भाई, वो भी रॉयल एनफील्ड के ओरिजिनल ही है। अच्छा और बाइब्री के इसमें अपन को डिस्क ब्रेक जो है वो देखने को मिल जाते हैं कैलिपर। तो गाइस कंपनी ने वायरिंग के अंदर ही पूरा सॉकेट दे रखा है, ताकि कोई अगर फॉग लैम्प भी लगाता है तो उसको कोई दिक्कत ना हो। हाँ इस वजह से मतलब पूरा सेटलमेंट कंपनी ने पहले ही करके दे रखा है, ताकि कोई भी राइडर्स है उसको कोई भी प्रॉब्लम ना हो किसी बात की, नहीं तो भाई बैटरी फूकने की भी रहती है चिंता, है ना। अच्छा इसके अंदर ये शेड भी आ रही कोई, है ना? हाँ भाई कंपनी की तरफ से आती है, और ये पूरी ऐसे यहाँ से गोल्ड शेड भी आ रही है अलग से, और येलो लाइट है भाई, तो पूरी ये अलग से ही रात को लुकिंग देती है बहुत अच्छी। तो भाई ये लाइट भी बड़ी प्यारी लगा रखी है कंपनी ने, और बाकी ऐसा कुछ लुक है भाई इस गाड़ी का, बहुत ही प्यारी लगती है भाई मुझे। बट भाई मैं तो यही सजेस्ट करूँगा, जो भी मिट्योर लो भाई, ये जो इंडिकेटर लगा रखे ना भाई ने, ये जरूर लगाना भाई, ये कभी मत हटाना, क्योंकि इसके बाद भले ही ये कितने के भी हो भाई, 100, 200, 500, बट भाई ये जो इंडिकेटर लगाने के बाद जो गाड़ी लुक देती है ना भाई चलते वक्त, प्रीमियम लुक, मज़ा आ जाए एक बार उसको खरीदने का मन हो जाए इंसान का, जैसे मेरा हुआ था, तो बहुत ही बढ़िया भाई। बाकी इसमें 5 गियर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, और बाकी सब कुछ डबल स्टैंड वगैरह टॉप मॉडल हो गए सब कुछ भाई, कंपनी कोई कुछ नहीं चीज़ छोड़ेगी, कंपनी पूरा प्रिपेयर करके आपको बढ़िया दे देगी, और कलर भी बड़ा प्यारा है। और गाइज आप में से कोई छोटी हाइट का भी
है या आपका वेट कम है तो भाई तब भी आप इस गाड़ी को आराम से चला सकते हो, बिकॉज़ अपने जो गोलू भाई है आराम से इस गाड़ी को चला लेते हैं तो उसमें भी आपको किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं आएगी। और गाइस इसकी जो वर्थ है 2023 का मॉडल, और इसके अंदर गाइस इसकी कॉस्ट अप्रॉक्स पड़ जाती है 2,80,000 जब ये ली थी। और गाइस अब ये गाड़ी की जो अमाउंट है वो हो गया 285, मतलब 5,000 करीब कुछ है जो बढ़ चुके हैं, तो ये फ़र्क है भाई इस गाड़ी में, और ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है भाई। इसको गलियों में चलाने का भी अलग ही मज़ा है यार, पावर तो एपिक है एपिक। इतनी प्यारी कटिंग है, सॉफ्टनेस देख रहे हो, मतलब खड्डे का तो पता ही नहीं लग रहा है इस गाड़ी में, इतने सारे खड्डे हैं भाई, पूरी गली खुदी हुई है, पर भाई अलग ही मज़ा है भाई इस गाड़ी को चलाने में, देख रहे हो यार, ओए होए होए, इसको भाई बिल्कुल फील तक भी नहीं होता खड्डे में, क्योंकि भाई ये बनी उस चीज़ के लिए। देखो कैसे निकल रही है भाई ये गलियों में से, मज़ा अभी क्यों मज़ा भाई, प्रॉपर फील दे रही है, ऐसा लग रहा है कहीं राइड वाइड पे निकला हूँ और मस्त चला रहा हूँ भाई। ऐसा कुछ था भाई अपना रिव्यू। तो भाई आज तक मुझे इतना शॉर्ट एंड सिंपल टाइम नहीं लगा, मतलब हर चीज़ में टाइम लगता है, पर आज गोलू भाई की वजह से भाई बड़ा जल्दी इसका रिव्यू हो गया आज 5-10 मिनट में ही। पता नहीं भाई मैं लग रहा है मैं तो कुछ चीज़ें छूट रही है बहुत ज़्यादा, पर ठीक है भाई हो गया ऑनरशिप रिव्यू। और क्या बता रहे हो, हाँ और आज गाड़ी सर्विस पे जाएगी, इसके अंदर क्या क्या करवाने वाले हो आप, कोटिंग वोटिंग है ना। तो गाइस इसकी जो रबिंग वगैरह है वो सब हो जाएगी, उसके बाद आपको इसका एक फाइनल लुक भी मैं आपको बाद में दिखा दूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाकी अभी थोड़ी गंदी सी हो रही है, मेरे को सुबह ही गोलू भाई कह रहे थे यार गाड़ी का रिव्यू तो कर रहे हो पर गाड़ी गंदी है, पर मैं कोई बात नहीं गाइस आपको रिव्यू भी देना था, और गाड़ी की अभी थर्ड सर्विस होने जा रही तो अप्रॉक्स पूरी गाड़ी नई की नई है, तो जो भी है बंदा भाई सबको, बाकी ऑनरशिप रिव्यू के हिसाब से गाड़ी एक नंबर है, मैं खुद कह रहा हूँ गाड़ी भाई एक नंबर है, क्योंकि मैंने खुद चला के देखा है, कम्फर्ट भाई कम्फर्ट के नाम से तो बहुत बढ़िया मज़ा आ जाता है। बाकी एक राइड रिव्यू भी मैं इसका अभी कर दूंगा तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिल जाएगा। बाकी भाई मस्त गाड़ी है, लेना चाहो तो ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अभी ये गाड़ी सिर्फ 4,000 किलोमीटर चली है तो मैं सोचा क्यों ना भाई रिव्यू वीडियो कर दी जाए, तो फाइनली भाई जो रिव्यू है अपना हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड थैंक यू सो मच गोलू भाई, आप अपनी जॉब थोड़ा लेट हो जाओगे पर कोई नहीं, आप भाई मिलने आया, तो चलते हैं भाई अभी फाइनली, और बाकी सब बढ़िया, थैंक यू सो मच।